सबसे पहले तो मैं बौली योगा और समृद्धि को धन्यवाद देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन मेरे घर में किया गया। हमारे साथ शिल्पी चुग हैं, शिल्पी चुग मुझे भी योगा सिखाती हैं, बहुत लोगों सिखाती हैं, और मुझे कुछ शरीर में दर्द थे और यह है कि 70 साल पुरानी मशीन है, दर्द तो कहीं ना कहीं होगी, तो उन जितने भी दर्द थे, जो भी पेन थे, वो योगा से मुझे बिल्कुल ठीक हो गए, मेरे हाथ पे एकदम चलने लगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स आज योगा ही से सीख रहे थे, कितनी बड़ी सिंगर बर्नाली चट्टोपाध्याय भी आ गई थी जिन्होंने हीरा मंडी में गाने गाए, तो ये सब मिला के बहुत सुंदर आयोजन हो गया और मैं इसके लिए ख़ास तौर पर समृद्धि को और शिल्पी चुग को धन्यवाद देता हूँ। आप योगा करते हो, डेली करते हो? मैं 15 साल की उम्र से करता हूँ, मतलब मुझे ये करते करते 55 साल हो गए। मैं सुबह जल नीति करता हूँ, सुबह कभी कभी मैं कुंजल भी करता हूँ, क्षण प्रक्षालन भी करता हूँ, तो ये सब 55 साल से कर रहा हूँ। योगा एक्सरसाइजेस करता हूँ, तो उससे जैसे प्लेन में बैठा हूँ तो प्राणायाम शुरू कर देता हूँ, तो उससे मुझे इतना समय मिल जाता है, वहाँ कोई तन तो ज़्यादा करता नहीं, तो वो सब करने से ही मेरी सांस इतनी लंबी है। लोग कहते हैं ना, हीरे मोती ये तब तक गाते हैं जब तक लोग तालियां नहीं बजाते, तो वो प्राणायाम का करवा है। तो इसलिए आप जितने सिंगर्स हैं, कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ समय निकाल के प्राणायाम करें, आप देखिएगा कि आपके गाने में भी कितना फ़ायदा होगा। आज भी कहीं ऐसे लोग जो योगा करने में कतराते हैं, नहीं करते बाहर देश में इन पत्रों से क्या योगा करना? अरे पूरे संसार में हो गया है, कितने योगा इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, पूरी दुनिया में खुल गए हैं, और उसके लिए हमारे मोदी जी ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि वो योगा करते हैं। अब उनके सेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, कल तो बहुत बड़ा वो करेंगे शिविर, लोग उनके सामने देखेंगे कि वो योगा कर रहे हैं और कितना उनको लाभ है कि आज वो 18 घंटे काम करते। ज़रा सोचिए इस आयु में एक 18 घंटे काम करना मनुष्य तभी संभव अपने शरीर से करवा सकता है जब शरीर को ठीक रखें, और वो ठीक रखना योगा से ही संभव। मैम आप क्या कहेंगे? मैम जी आज योगा डे के उपलक्ष्य में मैं सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि सर ने ये आयोजन किया मेरे साथ। मैंने सर को जस्ट कहा कि सर ये करना है, सर ने बोला बिल्कुल करते हैं, तो योगा सर सीखते भी हैं रोज़, और आज उन्होंने देखा ही आपने उनका परफॉर्मेंस, उनका इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी है। प्राणायाम वो सालों से करते थे, अभी आसनास पे फोकस कर रहे हैं, तो आसनास से उनकी बॉडी के थोड़े बहुत जो पेन थे, उनकी शिकायतें थी, वो दूर हो चुकी है, और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे तो इनके पोजेस भी बहुत अच्छे लगने लगेंगे। एंड योगा तो एवरीबडी सबको करना ही चाहिए। मैं सबको एक सलाह देती हूँ कि आप लोग सुबह उठ के 30 मिनट्स अपने शरीर को दीजिए, योगा कीजिए या प्राणायाम कीजिए या वॉक कीजिए, बट डेली आपको अपने बॉडी को 30 मिनट्स देना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी से प्यार नहीं करेंगे तो बॉडी भी आपको जल्दी छोड़ देगी। सो मैं यही सबको योगा डे पे बधाई देना चाहूँगी, और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। इस आज की मुंबई की लाइफ है, बहुत फास्ट लाइफ है, इसमें योगा को टाइम निकल करने के लिए ऐसी कोई योगा है कि जल्दी से होता है, 5 बजे? जी बिल्कुल है, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर एक्सरसाइज हो सकती है, आप चेयर पर बैठ के योगा कर सकते हैं, आप प्लेन में बैठ के योगा कर सकते हैं। आपको योगा में ब्रीदिंग मस्ट करना है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एनी वेयर यू कैन डू, और जो छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, जैसे हाथ हिलाना, अपने फिंगर्स को रोटेट करना, अपनी ये एंकल सॉरी रिस्ट को ट्विस्ट करना, हाथों का स्ट्रेचिंग करना, ये बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के आप अपनी कमर से नीचे जा सकते हैं, अपने पैरों को छू सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लेस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, और जहाँ पर आपको समय ना मिले, आप जिस जगह पर बैठे वहाँ पर बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि रॉन्ग योगा करना भी आपको हानिकारक हो सकता है। कल मोदी जी कल मोदी जी का बड़ा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमारे बॉम्बे में काफ़ी सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और हमने आज का डेट चूज़ इसलिए किया क्योंकि हमारे साथ भजन सम्राट हैं, और आज आपका दिवस भी है, सिंगिंग दिवस है ना, नहीं कल है वर्ल्ड म्यूजिक डे भी कल है, तो हमने कहा सर बिजी रहेंगे तो आज सर के साथ मनाया जाए, तो हमने आज योगा दिवस मनाया, कल हम लोग म्यूजिक डे मनाएंगे। और मोदी जी ने एक बहुत अच्छा जो कार्य किया है, योगा को इतना नाम और इतना सम्मान दिया है, मैं हमेशा उनकी धन्य कहते हैं ना आभारी रहना चाहूँगी, तो बस यही बोलना चाहूँगी। धन्यवाद, थैंक यू।
दिस इज कॉल्ड हैंड स्टैंड फ्रंट वॉक ओवर किया और ये थोड़ा एडवांस टेक्निक है योगा की. सो मैं बच्चों से हमेशा रिक्वेस्ट करूँगी बच्चे अपनी एक सही एज में योगा करना शुरू कर दें तो वो हमेशा एडवांस लेवल तक जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. क्या बोलूँ, योगा रे ऐसे योगा तो सबको करना चाहिए. ये मन को सुकून दिलाना है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है. तो हमें सब जो आर्टिस्ट लोग हैं सबको करना चाहिए योगा. सो अनूप जी के यहाँ ये सब देख के बहुत अच्छा लगा. मैंने भी इसमें आई एम पार्ट ऑफ इट टुडे एंड आई एम प्रिविलेज्ड पार्ट ऑफ दिस. यस एवरी डे मैं करती हूँ, एवरी डे करती हूँ योगा. तो कौन सा आसन नॉर्मली जो करते हो या फिर? नहीं एवरी डे तो मैं लोगों क्या कहेंगे, यंग जनरेशन को क्या कहेंगे? यंग जनरेशन को सबको करना चाहिए योगा, सबको करना चाहिए. वर्ल्ड म्यूजिक डे बीइंग अ सिंगर, मेरे लिए तो एवरी डे इज म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक डे. तो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग सब आज. अनूप जी के मैम भी यहाँ पे सेल्फी खींच रहे हैं. अरे अनूप जी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है. अनूप जी इज फिट एंड फाइन ऑलवेज और इतना इंस्पिरेशन लाते हैं वो सबको, यंग जनरेशन को सबको. हम तो धन्य है या शी इज अ ग्रेट योगा टीचर आई कैन से. बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. काफ़ी दर्द है. हाँ जी, आपको योगा कराना है और उनके सारे दर्द निकाल. जी ऑफ कोर्स, थैंक यू. अच्छा बीइंग अ सिंगर कोई गाना होता है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे है? सी